बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल जो टॉपिक देखा था वो क्या था हमारा, मेजर हिस्टोबैलिटी कम्प्लेक्स वन एंड टू। और यहाँ पर हमने देखा था कि मेजर हिस्टोबैलिटी कम्प्लेक्स वन एंड टू को जो है ना, ये आपका जो जीन इनकोड कर रहा था वो कौन सा जीन था? HLA जीन था जो MHC क्लास को इनकोड कर रहा था। आज हमने वही मेजर हिस्टोबैलिटी कम्प्लेक्स वन एंड टू को जो जीन इनकोड करता है वो कौन सा था? HLA जीन। वो कहते हैं HLA जीन जो सब टाइप्स होते हैं इस जीन की, मजीद जो इसके अलील्स होते हैं उनके साथ एसोसिएटेड डिजीजेस कौन कौन सी होती है। मतलब अगर आपके ये जो जीन है इस जीन में प्रॉब्लम्स आ जाए, जो HLA के जीन है, तो डिफरेंट जीन्स में अगर प्रॉब्लम आए तो उसमें क्या क्या डिजीज हो सकती हैं और उसको याद कैसे रखना है, क्या चीजें हैं। वैसे बेसिकली ये जितनी भी है आपको शो हो रही है स्क्रीन पे सारी रट्टा बेस है, ठीक है। इसमें कंसेप्ट कोई नहीं है, ठीक है। जो छोटी छोटी सी बातें मैं उनको बता देता हूँ, बाकी आपने इसको खुद ही याद करना है और याद करने का तरीका भी बता देता हूँ कि इसको याद कैसे करना है। तो देखें, सबसे पहले वो कहते हैं कि अगर जीन हो HLA-A3 जीन, HLA-A3 जीन हो और अगर इसमें खराबी हो जाए तो आपको कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, तो वो कौन सी है? हेमोक्रोमाटोसिस आपको हो सकती है, ये वाली डिजीज आपको हो सकती है। आपने सिंपल याद रखना है कि अगर HLA जीन A3 में प्रॉब्लम हो तो कौन सी डिजीज हो सकती है। तो इसको याद करने का तरीका ये देखिए, लिखा हुआ है HA3 मोनोक्रोमेटोसिस, यानी आप देखें ये हीमोक्रोमेटोसिस को उसने क्या किया है, ई की जगह पर उसने ए लिख दिया है। तो यहाँ पर HLA तो वैसे ऐड हो जाएगा, HLA तो वैसे इसके साथ ऐड हो जाएगा, देखें ये HLA वैसे हो जाएगा, लेकिन हीमो ई की जगह पर उसने क्या लगा दिया है, ए लगा दिया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच ई की जगह पर ए आ जाएगा, HLA हो गया साथ में ए आ गया, और थ्री या और उसने जो है ना ई की जगह पर A3 लगा दिया, दोनों लगा दिया। हीमोक्रोमेटोसिस ही लिखा हुआ है लेकिन E की जगह पर उसने क्या लगा दिया है, A3 लगा दिया। तो आप इस तरह याद कर सकते हैं कि HLA-A3 जीन से हीमोक्रोमेटोसिस वाली डिजीज होगी। तो ये कंसेप्ट तो नहीं है, ये याद करने का जो तरीका मैंने बताया ये समझ आया है? अगर नहीं समझ आया तो मुझे बता दें, अगर समझ आ गया तो मुझे बता दें। मेरे ख्याल में सिंपल सा था, बस याद करने का तरीका है कि उसने हीमोक्रोमेटोसिस को क्या करके लिखा है, कि हीमोक्रोमेटोसिस में उसने ई की जगह पर क्या लिख दिया है, A3 लिख दिया है, कि बाकी सारा हीमोक्रोमेटोसिस ही लिखा हुआ है लेकिन A3 यानी HLA3 जीन में प्रॉब्लम होगा तो आपको हीमोक्रोमेटोसिस की डिजीज होगी। उसके बाद अगर वो कहते हैं HLA-B8 अगर आपके जीन में प्रॉब्लम हो तो आपको कौन कौन सी डिजीज हो सकती है, तो एक तो आपको एडिसन डिजीज हो सकती है, इसके बाद मैस्थेनिया ग्रेव्स डिजीज हो सकती है, इसके बाद ग्रेव्स डिजीज हो सकती है। अब ये डिजीजेस क्या होती हैं इनके बारे में डिटेल में आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये जब हम पैथोलॉजी में जाएंगे तो इनको हम डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे कि ये डिजीजेस क्या होती है। यहाँ पर बस आप सिंपल इतना देख लें कि अगर HLA-B8 जीन में प्रॉब्लम हो तो ये वाली डिजीजेस हो सकती है, बस सिंपल इनके नाम याद करने हैं आपने, बाकी ये डिजीजेस क्या होती हैं इनको हम पैथोलॉजी में जाके डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इसको याद करने का नमूने क्या है, डोंट बी लेट, एट से एट, लेट का आखिरी एट, डॉक्टर एडिसन, डोंट बी लेट डॉक्टर एडिसन और एल्स यू विल सेंड माई पेशेंट टू द ग्रेव, ठीक है। इसका क्या मतलब है, वो कहता है डोंट बी लेट, यहाँ पे बी देखें उसने बोल्ड किया हुआ है, बी से क्या बनता है आपका B8, डोंट बी लेट, एट B8, तो यहाँ पर क्या आ गया, HLA-8 आ गया, उसके बाद डॉक्टर एडिसन, तो एडिसन डिजीज आ गई, ठीक है। और उसके बाद कहता है आर एल्स यू विल सेंड माई पेशेंट, यहाँ पे माई से क्या बनता है, मैस्थीनियस ग्रेविस बन जाता है, माई पेशेंट टू द ग्रेव, ग्रेव से क्या बनता है, ग्रेव्स डिजीज बन जाता है। तो ये याद करने का नमूना क्या, कि डोंट बी लेट डॉक्टर एडिसन और एल्स यू विल सेंड माई पेशेंट टू द ग्रेव, तो B8 से B8 हो गया, ठीक है, और एडिसन से एडिसन डिजीज हो गया, माई से मैस्थेनियस ग्रेविस डिजीज होगी और ग्रेव से जो है ना आपका ग्रेविस डिजीज हो गई। सिंपल से था नमूने की याद करने का, नमूने की याद करते जाए और जीन की वजह से उसकी वर्टिसेस याद करनी चाहिए, नॉट मच इंपॉर्टेंट बट सिंपल रट्टा बेस है, कंसेप्ट कोई है नहीं। और आपके हमेशा MCQs उसी तरह के आते होते हैं जिनमें कंसेप्ट छुपे हुए हो, बस इसमें से MCQs आ सकती है तो इसको आप याद कर लें। अच्छा, अभी जो बताने जा रहा हूँ B27, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी याद कर लें, बाकी कोई याद करें ना करें, B27 HLA-B27 अगर प्रॉब्लम हो तो कौन कौन सी डिजीज होती है ये लाजमी देख लें। तो सोरेटिक आर्थराइटिस हो सकती है, एनकोलोजिंग स्पोंडिलाइटिस हो सकती है, IBD एसोसिएटेड आर्थराइटिस हो सकती है, रिएक्टिव आर्थराइटिस हो सकती है। याद करने का सिंपल सा फार्मूला क्या है कि पेयर याद कर लें, पेयर इसको याद कर लें, आल्सो कॉल्ड सीरो नेगेटिव आर्थोपीज, इसमें भी ये भी काज कर सकती है ये वाली डिजीज। अब सिंपल पेयर याद कर लें, सिंपल सा याद क्या करना है, पेयर
पेयर पी से क्या हो गया कि आपका ये सोरियाटिक अर्थराइटिस हो गई, ए से क्या हो गया आप एनकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, आपके आई से क्या हो गया आईबीडी एसोसिएटेड अर्थराइटिस हो गई, और आर से क्या हो गया रिएक्टिव अर्थराइटिस। तो ये इंपॉर्टेंट है B27, इसको याद कर लें, ठीक है, टू मच इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट में याद करें बल्कि। तो ये B27 के लिए आप पेयर के 22 B27 के लिए आपने एक पेयर याद करना है, और पेयर में पी से क्या बनता है, ए से क्या बनता है, आई से क्या बनता है, आर से क्या बनता है, तो ये चीजें आप लोग देख लें, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है CHLA-C सब टाइप, उसकी वजह से क्या होती है सिरोसिस होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी देख लें, ये दो लिख लें, ये B27 और सी, सिरोसिस की वजह से होती है। उसके बाद अगर HLA-DQ2 एंड HLA-DQ8 में प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से क्या मसला होता है, आपके सीलिक डिजीज हो जाती है आपको, आपको हार्ट हार्ट डिजीज हो जाएगी। और इसमें क्या है कि 188 2 मच ग्लूटेन एट डायरी क्वीन, तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, 8 से क्या हो गया DQ2, देखिए 2 से हो गया DQ2 और 8 से हो गया DQ8 हो गया एंड डायरी क्वीन, तो फिर आपका वही सीन बन रहा है कि DQ से वही बन गया आपका कि DQ बन गया, DQ से DQ बन गया। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं कि DQ2 एंड DQ8 से आपको क्या होगी सीलिक डिजीज होगी, क्या होगी कि एक बंदर ने जो है ना इसको खा लिया तो उसको सीलिक डिजीज का प्रॉब्लम हो गया। 1-8 खाता है वो जो 8 को और 2 को, तो DQ, दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा ये मिक्सअप हो गया, DQ डेरी क्वीन से DQ, यानी ये DQ बन गया दोनों का DQ, और 2 से 2 बन गया DQ2 और 8 से बन गया 8, किसी ने जो है ना वन वन मतलब किसी एक ने 8 कर लिया है आपके 8 और 2 को 8 किया है विद ग्लूटेन एट डायरी क्वीन, तो उसको क्या हो जाएगी सीलिएक डिजीज हो जाएगी। तो आप इस तरह इसको याद कर सकते हैं, बस ये सिंपल याद करने के नमूने का आप भी पढ़ सकते हैं किस तरह लिखे हुए हैं कि किस तरह ये बनते हैं, बाकी मैं बस एक किस्म की रिवीजन ही करा रहा हूँ। अगला है DR2, तो DR2 में देखिए इसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है, हे फीवर होता है, आपको SLE होती है, गुड पास्चर सिंड्रोम होती है, याद करने का तरीका वही है, उसमें लिखा हुआ है ड्राइव टू मल्टीपल हे पास्चर्स, ड्राइव टू मल्टीपल हे पास्चर, ड्राइव आपका ड्राइव DR से बनता है, आपका DR2 ड्राइव है टू मल्टीपल, तो DR2 हो गया, मल्टीपल से आपका बन गया मल्टीपल स्क्लेरोसिस बन गया, हे से आपका हे फीवर बन गया, और पास्चर से बन गया आपका गुड पास्चर सिंड्रोम बन गया। ये सिंपल से याद करने वाली चीजें हैं, कंसेप्ट इसमें कोई नहीं छुपा हुआ। उसके बाद DR3, DR3 क्या होता है, DM टाइप डायबिटीज मिलाइटिस टाइप 1 होगा, SLE होगी, ग्रेव्स डिजीज होगी, हैशिमोटो थायरोइडाइटिस होगी, एडिसन डिजीज होगी, तो वो कहता है 2-3 2-3 याद कर लें, 2-3 SLE, तो आपके DR3 में जो है ना आपको क्या हो जाएगी, आपको यानी इसमें क्या बता रहा है, इसमें सिंपल सी बात बता रहा है कि आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट याद करना है कि DR3 की वजह से आपको क्या होती है SLE होती है, और DR2 की वजह से भी क्या होती है SLE होती है, तो वो कहता है 2 एंड 3, यानी DR2 एंड DR3 की वजह से आपको क्या हो रही है SLE हो रही है आपको। तो ये याद रख कर लें कि SLE दो की वजह से होती है, SLE आपके DR2 की वजह से भी होती है और SLE आपके DR3 की वजह से भी हो रही है, तो ये बात वो वहां पर बता रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद ये DR4 क्या होता है, DR4 में रिमेटाइड आर्थराइटिस हो सकती है आपको, DM टाइप 1 हो सकती है, और एडिसन डिजीज भी आपको हो सकती है। देर आर फोर वॉल्स इन वन रूम, रूम से मतलब रूम, मतलब एक रूम में चार दीवारें होती हैं, तो वो यही बात बता रहे हैं कि फोर से क्या हो गया DR4 हो गया, इन वन से क्या हो गया आपका जो है ना टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस टाइप 1 हो गई आपको, और रूम से क्या हो गया आपको रिमेटाइड आर्थराइटिस हो गई। तो वही सिंपल बात रिपीट कर रहा है अगेन के क्या है कि आपका फोर से आपका DR4 हो गया, आपका वन से आपका क्या हो गया डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 हो गया, और रूम रूम से आपका रूमेटाइड आर्थराइटिस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें DR5, DR5 में हैशिमाटो थायरोइडाइटिस हो रही है, ठीक है, हैशिमाटो इज एन ऑड डॉक्टर DR3 एंड DR5, तो वो कहते हैं आपकी जो हैशिमाटो है ना ये हैशिमाटो ये दो की वजह से होती है, DR5 की वजह से भी होती है और ये आपके DR3 की वजह से भी होती है, ये DR3 की वजह से भी होती है और DR5 की वजह से भी ये हो रही है, ये दोनों की वजह से होती है, ठीक है। तो ये जरा ऑड टाइप होती है कि दो तीन DR की वजह से होती है, ऑड होती है DR यानी DR से होती है, लेकिन DR3 और DR5 यानी ऑड नंबर जो होते हैं जो DR के ऑड नंबर कौन से होते हैं 3 5 7, तो ये उनकी वजह से हो रही है, हैशिमाटो सिंड्रोम जो है ना आपके ऑड DR से हो रही है, यानी ऑड 3 और 5 DR से हो रही है,
तीन और पांच डीआर से आपकी क्या हो रही है, DR3 एंड DR5 से आपकी हैशिमोटो सिंड्रोम हो रही है। तो हैशिमोटो सिंड्रोम दो से होती है, ये देखें DR5 से भी हो रही है, ये आपके DR5 से भी हो रही है। और ये एहसान उल्ला जरा आपने ये वीडियो बंद रखें प्लीज काइंडली। ये आपके जो है ना हैशिमोटो सिंड्रोम DR3 की वजह से भी हो रही है और आपके DR5 की वजह से भी हैशिमोटो सिंड्रोम हो रही है। तो वो यहाँ पर यही बात बता रहा है कि ये दोनों की वजह से हो रही है। तो कौन कौन सी डिजीज थी जो दो की वजह से हो रही थी, कोई बता सकता है कौन कौन सी डिजीज दो की वजह से होती है? एनीवन प्लीज। एक आपकी SLE हो गया, SLE दो की वजह से हो रही थी, आपकी DR2 की वजह से भी और DR3 की वजह से भी हो रही थी। और दूसरा आपकी हैशिमोटो सिंड्रोम जो कि DR3 की वजह से भी हो रही है और DR5 की वजह से भी हो रही है। आप लोग नहीं सुन रहे या समझ नहीं आ रहा कि इतना सिंपल सा कंसेप्ट भी आपको है याद नहीं रहा कि कौन सी डिजीज दो की वजह से हो रही है। और उसके अलावा एक तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी कि SLE दो की वजह से होती है, टू की वजह से और थ्री की वजह से, और आपका हैशिमोटो टू की वजह से होता है, DR3 की वजह से और DR5 की वजह से। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या था, ये B7 और C, ये टू मच इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी देख लें, बाकी आप लोग आगे देख लें अगर याद कर सकते हैं तो याद कर लें, डाटा बेस है निम्यूनिक्स जो है वो मैंने बता दिया याद करने के। ठीक है तो नेक्स्ट मूव करते हैं फंक्शन ऑफ नेचुरल किलर सेल्स, कि नेचुरल किलर सेल्स के फंक्शन क्या होते हैं। आसान सा है, सबसे पहले वो क्या कहता है कि नेचुरल किलर सेल्स लिम्फोसाइट मेंबर ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम। क्या कहता है ये कहता है जैसे हमने कल पढ़ा था कि बी लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोसाइट्स, यानी इनका ओरिजिन क्या होता है, लिम्फाइड ओरिजिन होता है, यानी ये लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फाइड ओरिजिन इनका होता है। वो कहते हैं इसी तरह आपके जो नेचुरल किलर सेल्स है, नेचुरल किलर सेल्स का ओरिजिन भी क्या होता है, लिम्फाइड ओरिजिन ही होता है, ये क्या होते हैं लिम्फोसाइट मेंबर होते हैं, लेकिन ये इनेट इम्यूनिटी का मेंबर है। याद करें हमने पीछे कंपोनेंट में देखा था कि आपके नेचुरल किलर सेल्स किसका मेंबर कंपोनेंट था, इनेट इम्यूनिटी का। सेम वही बात कि तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है जरा जरा, ये देखें जरा ये हमने कंपोनेंट्स में देखा था, ये नेचुरल किलर सेल्स, ये नेचुरल किलर सेल लिम्फाइड ओरिजिन के थे और बी और टी लिम्फोसाइट्स ये भी मतलब के लिम्फाइड ओरिजिन के थे, लेकिन ये अडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट था और ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट था। तो सेम यही बात यहाँ पे वो कर रहा है कि यहाँ पे ये कि लिम्फाइड ओरिजिन का होता है लेकिन ये होता किसका है, इनेट इम्यूनिटी का कंपोनेंट होता है। बी और टी लिम्फोसाइट्स ये भी लिम्फाइड ओरिजिन के होते हैं लेकिन अडाप्टिव इम्यूनिटी के मेंबर होते हैं ये। अब इसका काम क्या है, फंक्शन किलर सेल्स, ये सॉरी नेचुरल किलर सेल्स का फंक्शन क्या होता है, यूज परफोरेंस एंड ग्रेन एंजाइम्स टू इंड्यूस एपोप्टोसिस ऑफ वायरल इन्फेक्टेड सेल्स एंड ट्यूमर सेल्स एक्टिवेटेड इनहेंस्ड बाय, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, इसको जरा हम एक डायग्राम छोटी सी बना के देखते हैं तो फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा। कल हम लोग क्या देखा था कि आपका जो वायरल सेल थे या फिर आपका जो ट्यूमर सेल था, ये एक वायरस था उसने अंदर दाखिल हुआ था, वायरस तो फिर वायरस कौन सा था, एंडोजीनस था कि एक्सोजीनस था, एंडोजीनस था, ये एंडोजीनस था। तो इसने किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया था बाहर, MSC क्लास 1 के थ्रू रिप्रेजेंट किया था। अगर MSC क्लास 1 के थ्रू रिप्रेजेंट किया था तो आगे कौन सा टी सेल था, CD8 T सेल था, कौन सा फॉर्मूला था कि अंदर वाले मामलात हम पहले खुद तय करेंगे और 1 × 8 8 को याद रखना था। ठीक है तो आपका जो एंडोजीनस होगा वो MSC क्लास 1 के थ्रू जाहिर हो रहा था और CD8 को जाहिर हो रहा था, फर्स्ट सिग्नल आ रहा था फिर सेकंड सिग्नल आ रहा था, फिर CD8 एक्टिव होकर क्या सिक्रेट कर रहा था, आपके परफोरेंस, परफोरेंस इसमें क्या कर रहे थे, सुराख कर रहे थे, फिर वो पीछे से ग्रे एंजाइम भेज रहा था, ग्रे एंजाइम और कस्पेसेस और प्रोटीएजेस जो जाके इसकी क्या करा रहे थे, किलिंग करा रहे थे। ठीक है तो ये तो सिंपल प्रोसेस था कि आपके वायरस जो है ना और कैंसर सेल्स इस तरह उनकी डेथ होती है। लेकिन बाज दफा क्या होता है कि बाज दफा ये होता है कि आपके जो कैंसर सेल्स हैं या फिर आपके जो वायरल सेल हैं वो ये जो MSC क्लास 1 यहाँ पे शो हो रही है उसको शो नहीं होने देते। अब आपकी MSC क्लास 1 शो नहीं होगी, ये कुछ ऐसा होता है कि अंदर जो भी कोई ट्यूमर सेल पड़ा हुआ है या कोई वायरल सेल बना हुआ है ये सेल के अंदर इस तरह के चेंजमेंट्स करता है कि आपकी MSC क्लास 1 को शो नहीं होने देता, ताकि MSC क्लास 1 शो ना हो, CD8 भी एक्टिव ना हो और ये वहां से परफोरेंस वगैरह सिक्रीट करके मेरी डेथ ना कर सके। अपनी तरफ से ये बड़ा शाना बना है कि मैं जो है ना ये कर जाऊंगा, लेकिन इसको नहीं पता कि हमारी बॉडी के पास एक और प्रोसेस भी है। अब इसने क्या किया है कि इसने इस MSC क्लास 1 को शो नहीं होने दिया ताकि ये सारा प्रोसेस ना हो और कैंसर सेल की डेथ ना हो और जो वायरल इंफेक्टेड सेल है उनकी डेथ ना हो और वायरस कहते हैं हम जिंदा रहें और कैंसर सेल्स कहते हैं कि हम भी जिंदा रहें।
ये मैंने कल पढ़ाया था, मैंने वैसे रिवाइज करा दिया है। अगर एमएससी क्लास शो नहीं होगी तो अब जो हमारे पास जो ट्यूमर सेल हैं, जो कैंसर सेल्स हैं, उनकी डेथ कैसे होगी? तो उनकी डेथ इस तरह होती है कि लेट्स सपोज दैट कि ये आपका क्या है, एक वायरल सेल है, ठीक है, आपका वायरल सेल या फिर आपका कैंसर का सेल है, इसकी डेथ कैसे होगी? अब जो आपका कैंसर का सेल होता है ना, कैंसर के सेल में ये प्रॉब्लम होता है कि जैसे ही कैंसर सेल देखेंगे, अब वो जो है ना उससे डेथ नहीं हो रही है, इसकी CD8 से डेथ नहीं हो रही, तो आपकी एंटीजन आती है IgG। कौन सी एंटीजन? IgG आपकी एंटीजन आती है। ये IgG एंटीजन आपकी आके इस कैंसर सेल के साथ बाइंड कर जाएगी। क्या कर जाएगी? बाइंड, इसके साथ आके मिल जाएगी। ये जैसे ही इसके साथ मिल जाएगी तो फिर इसकी इस साइड पे एक और इसका पार्ट होता है जिसका नाम होता है फंक्शनल क्लास रीजन, FC रीजन होता है। जितनी भी आपकी एंटीबॉडीज होती है ना, तो उस एंटीबॉडीज का यहाँ पे एक फंक्शनल क्लास रीजन होता है। तो ये आपकी IgG आई और IgG आके इसके साथ क्या कर गई? बाइंड कर गई। किसके साथ? कैंसर सेल के साथ। आपकी एंटीबॉडी थी, एंटीबॉडी आई आपके कैंसर सेल के साथ बाइंड कर गई। पीछे आपका यहाँ पर इसका FC रीजन लगा हुआ है। अब ये जो FC रीजन लगा हुआ है, अब आपके नेचुरल किलर सेल्स आएंगे। कौन आएंगे? आपके नेचुरल किलर सेल्स आएंगे। अब ये नेचुरल किलर सेल्स आपके जो ये लगी हुई थी ना, ये जो FSC क्लास है, CD16 के थ्रू, किसके थ्रू? CD16 के थ्रू इसके साथ आके क्या कर जाएंगे? बाइंड कर जाएंगे, इसके साथ आके मिल जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं कि कैंसर सेल्स होते हैं, ठीक है, कैंसर सेल जब MSC क्लास 1 ऊपर शो नहीं करने देते, मतलब कि MSC क्लास 1 जहर नहीं होगी, तो क्या आपका टी सेल एक्टिव होंगे? CD8 नहीं होगा, CD8 एक्टिव नहीं होंगे। वो उसकी डेथ कर सकेंगे? नहीं, ये इसकी डेथ नहीं कर सकेंगे, पैथोजन की डेथ नहीं कर सकेंगे। तो दूसरा तरीका क्या है कि कैंसर सेल के ऊपर आके एंटीजन IgG आके लग जाती है। अब IgG के दूसरी तरफ क्या होती है? फंक्शनल क्लास FC क्लास C लगी हुई होती है। अब आपके नेचुरल किलर सेल्स इस IgG को ढूंढेंगे, ढूंढ के वो जहां पर लगी हुई है उसकी FC क्लास के साथ किसके जरिए आके जुड़ जाएंगे? आपके CD16 के जरिए। अब ये इसके साथ जाके जुड़ गया है, ये जैसे ही जुड़ेगा, इसके जुड़ने के बाद आपका जो नेचुरल किलर सेल है ये एक्टिवेट हो जाता है। अब ये क्या हो गया है? एक्टिवेट हो जाता है आपका। अब नेचुरल किलर सेल क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया है आपका। नेचुरल किलर सेल जैसे ही एक्टिवेट होता है, ये क्या सिक्रीट करता है? फिर परफोरेंस। क्या सिक्रीट करता है? परफोरेंस। और परफोरेंस का काम क्या होता है? हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि परफोरेंस जाके इसमें क्या कर देगा? सुराख कर देगा। अब इसमें क्या हो गए? सुराख। जैसे ही इसमें सुराख होते हैं तो नेक्स्ट काम क्या होता है? नेक्स्ट काम यही होता है कि आपका जो है नेचुरल किलर सेल वही ग्रेन जंग भेजेगा। क्या भेजेगा? ग्रेन जंग भेजेगा कि जाए जरा इसकी डेथ करके आए इसकी कैंसर सेल की। और कस्पेजेस भेजेगा, हमने कल पढ़े थे, कस्पेज भेजेगा, प्रोटीएज भेजेगा। तो ये सारे आके क्या कर देंगे? उसकी इधर आके उसकी एपोप्टोसिस करा देंगे। इन सुराखों के जरिए अंदर दाखिल होंगे और अंदर आके उसकी क्या करा देंगे? एपोप्टोसिस। तो इस तरह आपके कैंसर सेल या फिर वायरल सेल की डेथ हो जाएगी। अब वायरल सेल ने खुद को जो है ना शाना प्रूव किया कि मैं MSC क्लास 1 नहीं शो होने देता, CD8 आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं मार पाएगा। लेकिन हमारी बॉडी ने कहा तू अगर चलाक है तो मैं 1.5 चलाक हूं। तो उसने कहा कि ये कैंसर सेल था उसके ऊपर उसने IgG जाके लगा दी। अब IgG का दूसरा पोर्शन था FC पोर्शन। अब आपके इसी FC पोर्शन को आपके नेचुरल किलर सेल्स ढूंढेंगे। नेचुरल किलर सेल्स जाके CD16 के जरिए इसके साथ जाके जुड़ जाएंगे, इंटरेक्ट करेंगे। जैसे इंटरेक्ट होगा अब आपके नेचुरल किलर सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ये जैसे ही एक्टिवेट होंगे तो ये परफोरेंस क्रिएट करेंगे, परफोरेंस जाके इसमें सुराख कर देंगे। सुराख करने के बाद पीछे से आपका नेचुरल किलर सेल दोबारा क्या भेजेगा? ग्रेन जंग भेजेगा, कस्पेसेस भेजेगा, प्रोटीएज भेजेगा, जो जाके आपके कैंसर सेल की एपोप्टोसिस करा देंगे, उसकी जाके क्या करा देंगे? डेथ करा देंगे। तो मेरे ख्याल में समझ आ गया, आसान सा था। अगर स्टिल समझ नहीं आया तो आप लोग में से किसी को समझ नहीं आया तो बताएं, मैं रिपीट कर देता हूं इसको। रिपीट करने की जरूरत है? प्लीज काइंडली रिस्पॉन्स करें, आई एम वेटिंग फॉर यू। कोई एक बंदा रिस्पॉन्स कर दिया करे यार, समझ आ गया? जी आ गया। चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार रिपीट करवाएं प्लीज। एक बार रिपीट करा दूं? जी जी, आप ये बताएं, ये जो कैंसर सेल्स होते हैं ये मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स शो क्यों नहीं कराते? हाँ हाँ, वेरी गुड। ये जो है ना, ये मेजर हिस्टोपेनिटी कॉम्प्लेक्स इसलिए शो नहीं कराते क्योंकि ये आपका जो सेल है ना, हमने कल क्या पढ़ा था, मुझे इसको रेज करना, चले मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ। कल हमने क्या पढ़ा था कि ये एक सेल था, ठीक है, तो बाहर से मतलब के कैंसर सेल, मतलब कैंसर सेल, ये बाहर से कोई वायरस आ गया, ठीक है, तो उस वायरस के साथ किसको, ये आप एंडोजिनस हो गया। एंडोजिनस को प्रोटियोसोम ने क्या कर दिया था? छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। अब इधर साइड में आपका क्या पड़ा हुआ था?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पढ़ा हुआ था, एमएससी क्लास वन पढ़ी हुई थी। अब एमएससी क्लास वन के पास ये कहाँ जाता है, एमएससी क्लास वन के पास जाता है फिर टैब के जरिए, हमने पढ़ा था कल याद है आपको, टैब के जरिए अंदर दाखिल हुआ था, फिर यहां से ये बहर एमएससी क्लास जो है ना वन यहाँ पे आके क्या हो रही थी, जहर हो रही थी। अब जबकि आपका ये वायरस हो या फिर आपका कैंसरस सेल हो, दोनों ये आपके सेल में इस तरह के चेंजमेंट्स करते हैं कि ये आपके टैप चैनल्स को काम नहीं करने देते, या फिर आपके शुरू से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एमएससी क्लास, क्योंकि अब आपका ये कैंसरस सेल है, ये आपका नॉर्मल सेल नहीं रहा, ये आपका नॉर्मल सेल नहीं है कि अपने फंक्शन नॉर्मल करे, अब इसके फंक्शन नॉर्मल नहीं होते, नॉर्मल फंक्शन में ये था कि वो एमएससी क्लास वन बना रहा था, अब यहाँ पर एमएससी क्लास वन ही नहीं बनेगी, या फिर आपका टैप प्रॉपर काम नहीं करेगा, या फिर आपकी प्रोटियोसोम प्रॉपर काम नहीं करेगी, तो वो इसके पास नहीं जाएगा, तो एमएससी क्लास वन बहर जो है जहर नहीं होगी, ये एक्सप्रेस नहीं होगी। तो ये जब एक्सप्रेस नहीं होगी तो फिर हमारे नेचुरल किलर सेल्स ये वाला सारा प्रोसेस करेंगे कि ये नेचुरल किलर सेल जो है ना ये आईजीजी जाके कैंसर के साथ ऐड होगी, एफएससी क्लास के साथ नेचुरल किलर सेल्स सीडी 16 के जरिए ऐड होंगे, एक्टिव हो जाएंगे, परफोरेंस भेजेंगे, फिर ग्रे एंजाइम और कस्पेसिस भेजेंगे जो जाके इसकी डेथ करा देंगे। तो ये समझ आ गया है कि ये कैसे नहीं शो होने देते, समझ आ गया कि मैं रिपीट करूँ इसको भी, रिपीट कर दें प्लीज। चले मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, देखिए सिंपल सा है, सिंपल सा है, सिंपल सा है, क्या है कि कल जिन्होंने कल क्लास ली थी ना, तो मेरे ख्याल में मसला नहीं होना चाहिए, खैर इट्स ओके कोई मसला नहीं है, मैं रिपीट करता हूँ, हो जाते हैं भूल जाते हैं, कि ये वायरस था, इसने आपके सेल के अंदर एंट्री ली, तो ये जैसे ही सेल के अंदर एंट्री लेता है, वायरस का वायरस हो या फिर कैंसर का सेल हो, लेट्स सपोज कैंसर था या वायरस था कोई एक था, तो हमारी बॉडी में प्रोटियोसोम पड़ा होता है, ये सिलेंडर की शक्ल का एक ऑर्गेनेली होता है जो इस कैंसर सेल के अंदर की जो प्रोटीन्स होती हैं या वायरस है उनको तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देते हैं। अब हमारा यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपके सेल ने नॉर्मली तौर पर एमएससी क्लास वन बनाई होती है। अब आपके ये छोटे छोटे टुकड़े यहाँ से आएंगे और यहाँ पर एक चैनल होता है मखसूस जिसका नाम होता है टैप, ये इस चैनल के जरिए आराम से अंदर जाएंगे और एमएससी क्लास वन के ऊपर जाके बैठ जाएंगे। अब एमएससी क्लास वन यहाँ से बहर आएगी और यहाँ से बहर आकर यहाँ कर यहाँ पे एमएससी क्लास वन जहर हो रही होगी। अब इस एमएससी क्लास वन को आगे आपके टी सेल जो है ना रिकग्नाइज करते हैं, फिर वो जाके इस वायरस को मार देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कैंसर सेल है ये क्या करेंगे, या तो आपके प्रोटियोसोम को सही तरह से काम नहीं करने देंगे तो आपके ये टुकड़े नहीं होंगे, छोटे छोटे प्रोसेसिंग नहीं होगी, या फिर ये टैप को सही तरह से काम नहीं करने देंगे तो ये प्रोसेसिंग वाले जो एंटीजन है ये एमएससी क्लास के ऊपर जाके बैठ नहीं पाएंगे, या फिर आपकी शुरू से एमएससी क्लास को ही नहीं बनने देंगे, क्योंकि अब ये कैंसर सेल है, ये नॉर्मल सेल नहीं है, तो नॉर्मल सेल एमएससी क्लास वन बनाता है लेकिन ये कैंसर सेल एमएससी क्लास वन को नहीं बनने देगा। जब एमएससी क्लास वन नहीं बनेगी या इसके ऊपर ये एंटीजन नहीं लगेगा या टैप के जरिए ये अंदर नहीं होगा या फिर ये प्रोसेसिंग नहीं होगी, तो क्या यहाँ पर एमएससी क्लास वन शो होगी? ऑफ कोर्स यहाँ पर क्लास शो नहीं होगी। जब क्लास शो नहीं होती तो इस तरह आपके कैंसर सेल्स की डेथ नहीं होती और वो जिंदा रह जाते हैं, तो फिर इनको मारने के लिए फिर आपका ये वाला सारा प्रोसेस होता है, ये नेचुरल किलर सेल्स दोबारा ये सारा प्रोसेस होता है। अब समझ आ गया है? जी जी समझ आ गई है। चले ओके ओके हो गया। चले जी आगे बढ़ते हैं, हम इसकी जरा हम रीडिंग करते हैं बुक से कि इसमें बुक में क्या लिखा हुआ है। चले जी अब मेरे ख्याल में आपको बुक रीडिंग इजीली समझ आएगी। ठीक है ये लाइन हमने कर ली थी, यहाँ से देखें क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है और। जी जी क्या जो कैंसर सेल्स होते हैं ये एडॉप्टिव इम्यूनिटी और ये दोनों में एमएससी वन शो नहीं कराते या फिर एक में कराते हैं? सॉरी रिपीट करें क्वेश्चन। ये दोनों इम्यूनिटी में क्या एमएससी वन शो होते हैं या नहीं कैंसर सेल का अगर हो तो? मतलब इनेट इम्यूनिटी और अडैप्टिव इम्यूनिटी की बात कर रही हैं आप? जी 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 हम जो पढ़ रहे हैं ये कौन सी इम्यूनिटी है, ये नेचुरल किलर सेल्स वाली इम्यूनिटी कौन सी है? ये देखिए अभी मैंने पढ़ाया क्या हो गया, ये लिखा हुआ है ये तो इनेट इम्यूनिटी है इनेट लेकिन है। तो क्या इनेट में इनेट इम्यूनिटी में इनेट एक्सक्यूज मी इनेट इम्यूनिटी में एमएससी क्लास का कोई काम आ रहा है? नहीं आ रहा। नहीं 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 तो फिर एमएससी क्लास होती सिर्फ अडैप्टिव इम्यूनिटी में है। समझ आ गया? आप पूछ रही है ना कि एमएससी क्लास वन एंड टू दोनों में नहीं होगा या फिर सिर्फ एक में नहीं होगा? एमएससी क्लास होती सिर्फ आपकी अडैप्टिव में है,
वो तो इधर होती ही नहीं है, तो मतलब उसका इधर रोल ही नहीं आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो समझ आ गया चीज? जी नहीं समझ आया तो बताएं मुझे, मैं सही तरह समझाऊंगा आपको। नहीं आगे समझ। चलें गुड, नेक्स्ट देखें। यूज परफोरेंस, जो बात उसने की थी कि ये बुक में उसने आगे पीछे करके चीजें लिखी हुई है, मैंने आपको तरतीब से बता दी है। यूज परफोरेंस एंड ग्रे एंजाइम्स टू इंड्यूस एपोप्टोसिस आर वायरली इन्फेक्टेड सेल्स आर ट्यूमर सेल्स। अब यहां पर ये कहते हैं एक्टिविटी इनहेंस्ड बाय इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 12, इंटरफेरॉन अल्फा एंड इंटरफेरॉन बीटा। ये क्या बता रहा है यहाँ पर? ये इजाफी चीज बता रहा है कि आपका जो है ना, ये इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 12, ये आपका मैक्रोफेज सेक्रीट करेगा। कौन सेक्रीट करेगा? मैक्रोफेज। और आपके जो इंटरफेरॉन अल्फा और इंटरफेरॉन बीटा है, ये आपके कैंसर सेल या फिर आपके जो वायरस से इंफेक्टेड सेल थे वो सेक्रीट करेंगे। जब ये इंटरफेरॉन अल्फा और इंटरफेरॉन बीटा रिलीज होगा या फिर इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 12 अपने मैक्रोफेज से रिलीज होगा, तो इनका काम ही यही होता है कि ये जाके मजीद नेचुरल किलर सेल के फंक्शन को बढ़ा देते हैं, उसको मजीद एक्टिव कर देते हैं और वो मजीद अच्छी तरह से काम करता है। ठीक है, सिंपल सा था कि इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 12 मैक्रोफेज सेक्रेट करता है और इंटरफेरॉन अल्फा और इंटरफेरॉन गामा ये आपके इन्फेक्टेड सेल्स या फिर ट्यूमर सेल सेक्रेट करते हैं। ये चारों का काम क्या होता है? जाके आपके नेचुरल किलर सेल्स का फंक्शन मजीद बढ़ा देते हैं और वो मजीद अच्छी तरह काम करते हैं और किलिंग कर सकते हैं। समझ आ गया? अच्छा, इसको याद करने का तरीका क्या है कि ये इंटरल्यूकिन 2, 12, 6 ये कैसे आपने याद करना है? आपने याद करना है कि क्रिकेट हो रही है, ठीक है, ग्राउंड चल रहा है, उसमें 2 गेंदों पे 12 रन बाकी हैं, बाबर आजम बी से बाबर आजम बैटिंग पे है और अल्फा से मोहम्मद आमिर जो है ना ये बॉलिंग पे है, तो वो जरा सीन अपना देख लें कि 2 गेंदों पे 12 रन बाकी चाहिए, बाबर आजम बैटिंग पे है और मोहम्मद आमिर जो है ना वो बॉलिंग पे है, तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। इंड्यूस टू किल व्हेन एक्सपोज टू अ नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेशन सिग्नल ऑन टारगेट सेल्स आर टू एन एब्सेंस ऑफ एमएससी क्लास 1 ऑन टारगेट सेल। वही बात बता रहा है कि एमएससी क्लास 1 शो नहीं होगी तो ये सारा प्रोसेस होगा और ये फिर जाकर उसकी किलिंग करेगा। ऑल्सो किल्स वाया एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी CD16। ये भी वही बात बता रहा है। अच्छा, इसको वो क्यों कह रहा है कि ये क्या होती है कि ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड क्यों है? क्योंकि आपने वहां पर देखा था कि क्या देखा था आपने कि ये अगर कैंसर सेल था तो उसके ऊपर एंटीबॉडी आके बैठ रही थी और एंटीबॉडी के ऊपर CD16 आके जुड़ रहा था नेचुरल किलर सेल का, तो यही बात बता रहा है कि ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट है, ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट है लेकिन सेल मेडिएटेड है, यानी नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं और ये साइटोटॉक्सिसिटी होती है, यानी साइटोटॉक्सिक होते हैं। किसके जरिए मारते हैं? ग्रे एंजाइम्स और परफोरेंस के जरिए मारते हैं, एपोप्टोसिस कराते हैं, इसीलिए इसको ये नाम दिया गया है। एंटीबॉडी डिपेंडेंट क्योंकि एंटीबॉडी कराती होती है, सेल मेडिएटेड क्योंकि नेचुरल किलर सेल्स मारते होते हैं, साइटोटॉक्सिसिटी होती है क्योंकि ये इसको परफोरेंस और ग्रे एंजाइम के जरिए एपोप्टोसिस कराता होता है। तो ये आपका नेचुरल किलर सेल्स था। अच्छा, नेचुरल किलर सेल्स एक और तरीके से भी कैंसर सेल्स को मार सकते हैं, वो कैंसर सेल्स की अपनी गलती होती है अपनी, कि ये कैंसर सेल्स हैं तो कैंसर सेल्स अपने सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन शो करते हैं जिसका नाम होता है MICA प्रोटीन। MICA प्रोटीन ये नॉर्मल सेल नहीं शो करते होते, ये कैंसर सेल गलती से जो है ना ये प्रोटीन शो कर देते हैं। वो जैसे ही ये प्रोटीन शो करते हैं, ये प्रोटीन का नाम क्या होता है कि ये MHC1, ये MIC हो गया, MHC1, C से हो गया आपका चेन चेन, C से हो गया चेन चेन रिलेटेड प्रोटीन ए। इसका नाम दोबारा देख लें, एम से हो गया MHC1, ये हो गया, और सी से हो गया चेन और ए से हो गया रिलेटेड प्रोटीन ए। तो ये इसके ऊपर गलती से जहर कर देते हैं, मैंने बहुत से कैंसर सेल जहर करते हैं, ये जैसे ही जहर करते हैं तो आपके नेचुरल किलर सेल जो है ना इंतजार में होते हैं कि ये जो है ना जल्दी से ये जहर करे मुझे। ये जैसे ही जहर करता है तो ये इधर से ऊपर तक क्या कर देते हैं, यहाँ से अपने इसके रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो इसको रिसीव कर लेते हैं, इस सिग्नल को पकड़ लेता है। जैसे ही ये इंटरेक्शन हो जाता है तो ये दोबारा क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं आपके नेचुरल किलर सेल्स और एक्टिव होकर दोबारा वही परफोरेंस क्रिएट करेंगे जो जाके यहाँ पर सुराख कर देंगे और फिर पीछे से ग्रे एंजाइम्स का स्पेसिस और प्रोटीएस भेजेंगे जो जाके इसकी क्या कर देंगे, एपोप्टोसिस कर देंगे और इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये एक दूसरा साइड का इसका ऑप्शन है कि कैंसर सेल्स गलती से क्या जहर कर देते हैं, माइका प्रोटीन जहर कर देती है। अब आपके नेचुरल किलर सेल्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इंतजार में बैठे होते हैं, वो इसको देख लेते हैं, इंट्रक्शन होता है तो वो एक्टिव हो जाते हैं नेचुरल किलर सेल्स और फिर वही परफोरेंस क्रिएट करके होल्स कर देते हैं और कस्पेसिस और प्रोटीएस क्रिएट करते हैं जो इसको जाके क्या कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं। चलें जी, कोई
कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, या कोई चीज समझ ना आई हो यहाँ पर आपको नेचुरल किलर सेल्स में, और आपके ये जो था HLA सब टाइप्स एसोसिएटेड विद डिजीजेस, किसी को कोई चीज समझ ना आई हो, या कुछ रिपीट करना हो, या कोई क्वेश्चन हो? अगर समझ आ गया तो रेस्पॉन्स करें प्लीज। आ गया समझ? अगर समझ आ गया समझ आ तो गया। वेरी गुड, थैंक यू। चलें जी, हम आज की क्लास जो है ना इधर ही वाइंड अप करते हैं, ठीक है? क्योंकि आगे जो टॉपिक नेक्स्ट जो आएगा ना टॉपिक ना, वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, अगर हमने उसको छेड़ लिया तो फिर उसके ऊपर 1.5 से 2 घंटे लग जाने हैं। तो हम उसके दो पार्ट करेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक के, और उसको हम 2 दिन में पढ़ेंगे। कल उसका फर्स्ट हाफ पढ़ेंगे, परसों उसका सेकेंड हाफ पढ़ेंगे। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक को भी छेड़ते हैं तो वो बहुत लंबा हो जाएगा और उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो है ना वो मीटिंग एंड करने लगे हम लोग। भाई कल कैंपस में क्लास होगी? जी, कल ऑफलाइन इन द कैंपस क्लास होगी इंशाल्लाह। कल आज ठीक है भाई। छुट्टी थी इसलिए हमने जूम पे कर ली।